आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं GTL इंफ्रा स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक के चार्ट को डिस्कस करें इससे पहले देखेंगे कि अर्लियर इस स्टॉक में 10 अगस्त के आसपास को देखें तो इसका डिलीवरी मोर देन 70-90% का हुआ करता था और रिसेंट में इस समय देखेंगे तो डिलीवरी अराउंड 30-50-60% तक का रहा है। इसका सिंपली मतलब आपको इसके चार्ट पे मैं दिखाता हूं। यहां इसके टेक्निकल्स में आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने पिछले लगभग 1 मंथ में 20% तक के रिटर्न दिए थे और इस समय आपको वो रिटर्न 3% दिख रहा है और 1 वीक में स्टॉक 15% चूंकि करेक्ट हो चुका है इसीलिए यहां जो रिटर्न है वो एडजस्ट होते हुए दिखा है। इसके चार्ट पे आप देखेंगे एक कंसोलिडेशन जोन रहा था 1.20 रुपीज टू 1.40 रुपीज, फिर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और 1.80 रुपीज तक के लेवल्स को टच किए। 1.80 रुपीज का एक मेजर रेजिस्टेंस है जिसको मल्टीपल टाइम स्टॉक ने ब्रेकडाउन करा है। इस समय अगेन स्टॉक कंसोलिडेट जोन में आते हुए दिखा है तो अगर आप चाहें तो स्मॉल क्वांटिटी बाइंग कर सकते हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो पोजीशन बनाए रखें। हमने कहा था कि 1.80 रुपीज के आसपास पे पार्शियली प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। इस समय इस स्टॉक के कंसोलिडेशन को अगर 1.80 रुपीज के लेवल को ब्रेक करती है तो पहला इमीडिएट टारगेट 2.50 रुपीज का दिखेगा और दूसरा टारगेट 200+ तक के लिए मिनिमम 4-4.50 रुपीज तक के टारगेट इस स्टॉक में विद इन 1 ईयर के ड्यूरेशन में दिख सकता है।